नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और आज हम बनाने वाले हैं ताज़ा गोभी का पराठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा इसमें मैदा और थोड़ा सा आटा लेकर के पानी की सहायता से सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसमें मोम नहीं देना है, बस ऐसे ही प्लेन है ये। तो ये देखिए सॉफ्ट डो बन गया है ये। अब हम इसे 1 घंटा के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके भरने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए कच्चा गोभी है ये, ताज़ा गोभी। एक गोभी लिए हैं, इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। इसके बाद हमने ये काली मिर्च लिए हैं, इसे भी हमने दरदरा कूट लिया है। 2 प्याज है, इसे बारीक चॉप कर लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और ये हरा मिर्च है, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 3 काट के रखे हैं छोटा छोटा। तो चलिए सबसे पहले हम एक बाउल में गोभी को डालते हैं, उसके बाद इसमें हम हरा मिर्च डालेंगे। हरा मिर्च डालने के बाद इसमें हम धीरे धीरे सारा सामान डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक तभी डालिएगा जब बनाने का होगा, उसके पहले नमक नहीं डालिएगा। क्योंकि हम अभी बना रहे हैं इसलिए हम नमक डाल दे रहे हैं। अगर आप पहले नमक डाल दीजिएगा और डाल के रख दीजिएगा तो गोभी पूरा पचपच हो जाएगा, पूरा पानी छोड़ देगा गोभी, तो फिर से बन नहीं पाएगा आपका गोभी की रोटी। तो इसीलिए जब बनाइएगा तभी नमक डालिएगा। तो ये देखिए हम लोग नमक डाल दिए हैं, प्याज भी डाल दिए हैं और साथ में काली मिर्च भी डाल दिए हैं। तो आप काली मिर्च भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छा से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छा से मिल गया है हमारा गोभी। ये देखिए हमारा 1 घंटा भी हो गया है। अब ये देखिए आटा भी पूरा अच्छा से सॉफ्ट हो गया है। अब इसका हम पेड़ा बना लेते हैं और इसे हम बर्तन लगा करके अच्छा से इसमें भर लेते हैं। ये देखिए ठीक से भरिएगा, मोटा करके रहना चाहिए इस तरह से। थोड़ा मोटा रोटी लीजिए, आटा लीजिएगा, उसके बाद इसे भर लीजिएगा अच्छा से। इस तरह से सील कर लीजिएगा तो ये नहीं फटेगा। और हल्के हाथों से बनाइएगा इसे। ये देखिए हल्के हाथों से बनाने से ये फटता नहीं है, ज़्यादा दबाइएगा नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छा बनता है ये रोटी, गोभी की रोटी। तो इसमें बहुत बनाना ही बहुत आसान है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है ये। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तो बच्चों लोग का टिफिन में भी बच्चों लोग बहुत पसंद करते हैं, या सुबह का नाश्ता में या रात का खाना में भी बना सकते हैं। ये बहुत हल्का है ये। तो ये देखिए एक रोटी मेरा बन गया। इस तरह करके हम सारा रोटी बना लेंगे। अगर जो लोग आमलेट खाते हैं तो उन लोग को ये टेस्ट थोड़ा आमलेट के जैसा लगता है ये खाने में, गोभी की रोटी, कच्चा गोभी की रोटी। तो इसको हम उलट पुलट करके धीमी आँच में सेकेंगे ताकि अंदर से अंदर में जो गोभी है वो पक जाए अच्छा से। इसीलिए इसको हल्का आँच में सेकिएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसे आप टमाटर की चटनी या फिर धनिया की चटनी या टमाटर के सॉस के साथ खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए हमारा रोटी सेक आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह करके हम सारा रोटी बना लेंगे। अभी तो गोभी का सीजन है तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों गोभी भर का रोटी। तो दोस्तों आज का टिप्स मैं बताने वाली हूँ खुजली के बारे में। बहुत लोगों को खुजली हो जाता है जो जाता नहीं है। तो अगर आपको जो स्थान में खुजली हो गया है वहाँ पे दाग छूट गया है तो आप ये सादा सुहागन के फूल के पत्ते को तोड़िएगा तो देखिएगा इसमें दूध निकलेगा हल्का हल्का। वो दूध अगर आप खुजली वाला स्थान में लगा दीजिएगा तो उस जगह में खुजली थोड़ा कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा खुजली बिना दवाई के। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आइकन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय।